सो हे गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अगर आप अभी एक यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो या फिर गूगल के कोई भी प्रोडक्ट से आप अर्निंग करते हो और आपका भी एक गूगल एडसेंस अकाउंट है, तो दोस्तों आप जैसे ही आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किए होंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आया होगा और दोस्तों वहां गूगल एडसेंस का एक न्यू अपडेट आपको देखने के लिए मिला होगा, जो कि टर्म एंड कंडीशन उनका अपडेट हुआ है। तो दोस्तों वहां आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको वहां कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों काफी सारे लोग तो वो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों काफी सारे लोग डर रहे हैं कि उनके गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ कुछ हो ना जाए, उनका गूगल एडसेंस अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, तो दोस्तों वो डर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। गूगल एडसेंस अपने मतलब टर्म एंड कंडीशन में वो अपग्रेड करता रहता है, वो और चेंजेस करता रहता है, जिससे कि वो और भी सिक्योर गूगल एडसेंस अकाउंट आपका रहे। तो दोस्तों आप लोगों को उसे एक्सेप्ट कर लेना है और दोस्तों वहां से कंटिन्यू कर देना है। सुबह चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाकर बताता हूं कि वो कहना क्या चाहता है, वो टर्म एंड कंडीशन आपको क्या बताना चाह रहा है और आपको वहां एक्सेप्ट कैसे करना है। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां से आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन किया, तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि यहां गूगल एडसेंस की तरफ से टर्म एंड कंडीशन को अपग्रेड किया गया है। दोस्तों ये न्यू टर्म एंड कंडीशन है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो यहां 16 यानी 16 टर्म एंड कंडीशन बनाए गए हैं, जिसे दोस्तों आप बारीकी से पढ़ भी सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ने आता तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहां से आप पूरा कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद गाइस यहां से आपको सिंपली गूगल ट्रांसलेट आपको यहां से ओपन कर लेना है। दोस्तों गूगल ट्रांसलेट आप ओपन करोगे तो दोस्तों यहां लेफ्ट में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, राइट में आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों ये सिंपली यहां आप इसे पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों आप पेस्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से ट्रांसलेटर होकर आ जाएगा और दोस्तों यहां से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी के अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, अपने लैंग्वेज में आप इसे सेलेक्ट करके आप इसे पढ़ भी सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसका जो अपडेट आया है वो क्या है। दोस्तों मैंने जितना भी पढ़ा है, मेरे हिसाब से दोस्तों मैं जितना पढ़ा हूँ उस हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको अपग्रेड करके ये बता रहा है कि जैसे कि पहले भी ये टर्म एंड कंडीशन था कि आप एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आप एक से ज्यादा अगर बनाने की कोशिश करते हो तो दोस्तों आपका जो पहला एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। बाकी ये चीजें जितने भी चीजें हैं आपके लिए ही बनाया गया है, आपके प्राइवेसी के लिए ही बनाया गया है और दोस्तों अदरवाइज किसी भी चीज के लिए नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सिंपली दोस्तों यहां से आप देख सकते हो, तो दोस्तों यहां से आपको सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां से टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज आपको बता देना है। देन गाइस यहां से आप देख सकते हो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू एडसेंस, सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो सिंपली से ओपन हो जाएगा और दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि यहां से आपका जो पेमेंट है आज ही के दिन में रिलीज किया गया, आज 22 तारीख है और दोस्तों आज के दिन में पेमेंट यहां से रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों यहां से देख सकते हो कि मेरा पेमेंट भी मेरे बैंक अकाउंट में रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करके आप अपने मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट में इंटर कर सकते हो। सो गाइस कुछ इसी तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके वहां कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों टर्म एंड कंडीशन आपको जो भी दिया जाता है वो आपके ही सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, आपके ही प्राइवेसी के लिए दिया जाता है कि आपका जो प्राइवेसी है और भी ज्यादा अपग्रेड हो। गूगल एडसेंस अपनी तरफ से और भी कोशिश करता है कि आपका जो प्राइवेसी है वो लीक ना हो। तो दोस्तों ये जो प्राइवेसी है आपके लिए ही बनाया गया है, जितने भी लोग गूगल एडसेंस अकाउंट यूज करते हैं उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं, बेझिझक आप उसको एक्सेप्ट करके आप वहां कंटिन्यू कर सकते हो। सो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।